गाइस वेलकम टू स्टार स्टेशन टीवी। ये जो थंबनेल है देखकर समझ गए होंगे कि हमारे साथ दो इतने कमाल के बेस्ट बडीज बीएफएफ कमाल के एक्टर्स और उससे ज्यादा ये इंटरव्यू शुरू करने के पहले जब मैं बातें कर रहा था तो अच्छे इंसान है। यस वी हैव वन एंड ओनली खुशी दुबे एंड जैनबाद खान। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। सच में बोल रहा हूं मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से। बहुत अच्छे हैं यार एंड सरप्राइजिंगली आज हम दोनों को एक ऐसा टाइम मिल गया जब हम दोनों एक साथ बैठ के इंटरव्यू कर सकें। एंड आई थिंक वो इट वाज रिटन कि आपसे मिलेंगे और आपसे इंटरव्यू करेंगे आज के दिन। सच अ लवली पर्सन टू मीट। या लेकिन आई टेल यू इंटरव्यू कैसे हुआ। इस कैमरा के पीछे हमारे दो बहुत खास लोग बैठे हैं। यस दैट्स ट्रू। एक था सचिन और कुछ समथिंग हैपेंड इन द मॉर्निंग। या आई गॉट अप एंड आई टेक्स्ट समथिंग समबडी सेंट मी समथिंग एंड आई सेड व्हाट द हेल इज दिस। बहुत सारी बातें हुई और फिर मैंने लोगों से थोड़ी ऐसी हमारी बात की और सडनली उसके बाद पता नहीं दोनों को क्या हुआ। फिर बोला भाई वो एकता और सैन हम लोग लाइन अप कर रहे हैं क्योंकि आप करोगे। मैंने बोला ऑब्वियसली करूंगा। लगा ये शायद बोलेंगे अच्छा कल बट थैंकफुली इट हैपेंड। हां यार आई एम वेरी हैप्पी। कांग्रेचुलेशंस आप दोनों के शोज आ रहे हैं। अरे थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कॉमन चीज ये है कि उन शोज को शूट करते हुए आप दोनों गजब के टैन हुए। या वो एक्सपीरियंस दैट स्टार्ट टू मी। यार मैं प्रैक्टिकली जेन्युइनली मैं इतना ज़्यादा टैन नहीं हुआ बिकॉज आई वाज रियली टेकिंग केयर ऑफ माय सेल्फ एंड आई हैव आस्क्ड हर स्पेशली कि प्लीज मुझे सबसे अच्छे वाले सनस्क्रीन्स ला के दो। सो आई वाज वेयरिंग मेकअप वहाँ पे। आई यूजुअली डोंट वेयर मेकअप बट वहाँ राजस्थान में आई हैड अ लॉट ऑफ बेयर बॉडी सीक्वेंसेज ऑल्सो एंड ऑल्सो द थिंग इज आप डेजर्ट में शूट कर रहे हो तो देयर इज नो शेड एंड ऑल। सो आई वॉज जस्ट यूजिंग body makeup all over my body. I was using like 3-4 tones down and uske upar I was just spraying my you know sunscreen all the time because she has bought some great sunscreens for me. I was like yeah this is I was literally saved from that burning thing. Everybody was you know everybody came down like with 2-3 tones down but surprisingly I was like completely fine. Mia said I was burnt. She was completely burnt. She was completely burnt because I think I was really taking care of myself and तो बस वही हमने अच्छे से अपना अपनी केयर कर ली। That's all. खुशी any recommendations burns? What recommendations? Actually मैं तो खुद ही so right now I'd gone to Kolhapur for shooting for my new show Jubilee Talkies and वहाँ पे first 2 days I was like okay ये वो नहीं होंगे tan ऐसा वैसा। third day I was fully burnt and by chance the sequences were all outdoor so there was a sequence where I had to be in a inside a tanker. And so sorry to interrupt, Khushi has met such a big accident, she will tell you in this interview. Yeah. Ek bahut bada accident ho gaya tha while shooting only but yeah she is a good sport. Yeah, she'll tell you after this what happened. Please tell us. So there was this scene where we see that the heroine is she's driving a vehicle called Tum Tum which is basically like a tempo and so it's like kind of a rickshaw kind of a thing. So wo I was driving that and so we were in the fields in the remote fields of Kolhapur jahan pe you have the lush green grasses and there's this road steep road going from like in the middle and uske dono side pe slope tha and so I was riding and I was riding and ek point pe I had to take it from my rickshaw was half it on it was the a drone shot. Yeah. So nobody was around. Yeah. Her. She was the only one driving and yeah. Sare log I think 1 kilometer aadha kilometer dur the. Yeah. So it was a drone shot so I did not have anybody around. To main aadhe slope aur aadhe main road pe thi and I was taking my vehicle and it was loaded piche. It was loaded. Okay. तो लोडेड था एंड इट वॉज नॉट गोइंग ऑन द मेन रोड तो इट वेंट डाउन द स्लोप इट वेंट फॉर गुड 3-4 सेकेंड्स आई एम लाइक ओ माई गॉड एंड आई वॉज ब्लैंक बिकॉज द नेक्स्ट आई थॉट आई एम गोन बी इन बीनीथ इट गॉड नोज वॉट विल हैपन विल आई स्टे इवन अ लाइव तो वैसा था एंड नथिंग आई कुड हैव डन तो गया एंड वो पलट गई पूरी रिक्शा इट टॉपल्ड एंड and I was expecting that I'll be crushed beneath it but I somehow I had
holding on to it aur mera na pair atak gaya rickshaw ke andar. There's a big tattoo so also. So I had even posted on my handle, so there's this big, yahan pe ek bahut bada scar hai because wo handle mere upar aise gir gaya. But I luckily I was alive and nothing happened to me apart from all of these. I got hurt at places but like not majorly like what I was expecting. But every day she was getting some bruises yes, on her body. Yes, throughout her outdoor shoot. Rose mein baat karun ki aaj I met with an accident. What happened? I met with an accident. ठीक है क्या हो गया? मेरा ऑटो पर गया से. What? Like, what are you saying? Are you listening to your own themselves? What are you saying? मेरा ऑटो पलट गया था. तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो? I'll talk to you later. I'm in a shot. और वहाँ पे दो लोग भागते हुए आए. The spot where everything happened. I think उसके left में एक तालाब है शायद. Yes. Correct. तो वहाँ पे वही area है ये. अच्छा. I used to be an assistant director on Jai Shri. तो उधर मैं गई पलट गया and then these two people came. So one came and he froze कि oh my god अब कौन देखने जाएगा कि क्या हुआ and the other person came and he took me out. He was an AD और वो हाथ पकड़ के आधे घंटे तक खड़ा है because people were so flabbergasted. My director came running 1 kilometer से क्या हुआ and yeah that was one hell of a but in that moment yeah. Yeah, everybody was asking me this question. Yes, what do you think? Yeah. Surprisingly, उस टाइम पे आई डोंट थिंक मतलब पता नहीं नॉर्मल इंसान सोचते होंगे मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं. मैं बस एंटिसिपेट करी थी कि क्या होने वाला है एंड आई वॉज वेरी ब्लैंक. I just went blank. मुझे भी ना कुछ चाहिए था कि कुछ तो आता यार दिमाग में कोई तो flashes आते कुछ तो but उस time पे I was really blank. Somehow you had faith in God कि nothing is gonna happen. Yeah. Somehow you had some faith. Yeah. Because it happens. Yeah, maybe. That was also there and I was blank कि क्या होगा. Oh my God. And after that I thought कि यार चलो इतना बड़ा because I was really not able to accept it properly कि यार मेरा auto पलट गया है. And I was like, also not able to accept it when I was going down the slope कि सच में मेरा ऑटो पलटने वाला है. लेकिन हाँ आप यू सही था. Yeah, so that's what happened. And उसके दूसरे दिन मैंने पूछा कि like I was talking to her and उसके बाद पता चला कि आज मैं फिर गिर गई. Like अरे क्या ये कैसे हो. फिर तीसरे दिन पूछा आज मेरे ऊपर स्किमर गिर गया. Like what is happening to you? क्या करके एक बार दो बार स्किमर मेरे चेस्ट के इधर like you know just beneath यहाँ पे गिर चुका है. फिर एक बार हम कहीं खड़े थे तो एकदम से बारिश होने लगी एंड जो ऊपर बड़ा सा स्किमर था that was going to fall on everybody besides me including me. So at the end of the trip people were like कि आप में कुछ मैग्नेट है कि ये सब गिर रहा है सब हो रहा है. People told me there कि आपका तो हम झाड़ फूंक कराएंगे सदका and everything. Yeah, so people were telling. Also, I must really say, genuinely, Rajasthan obviously Rajasthan गर्मी के लिए जाना जाता है but Rajasthan में there is a quality कि अगर आप किसी shade के नीचे खड़े हो रहे हो ना तो you will feel good. मतलब इतनी गर्मी नहीं लगती है बट कोल्हापुर इज अ डिफरेंट थिंग ऑल्टोगेदर. कोल्हापुर की जो गर्मी है आई थिंक वो हिंदुस्तान में बहुत कम जगह होती है. बहुत कम जगह है. और एक टैंकर वाला सीक्वेंस था जिसमें मुझे टैंकर में रहना था एंड दैट टैंकर वाज एन एम्प्टी टैंकर व्हिच वाज न्यूली पेंटेड एंड फुल्ली हॉट लाइक बर्निंग हॉट. यू कुडंट इवन क्लाइम दैट टैंकर प्रॉपरली बिकॉज आपके हाथ जल जाएंगे एंड उसमें वी हैड टू ट्रैवल फॉर 2 to 3 hours. आई हैड टू स्टिक माय हेड आउट ऑफ द टैंकर. आधा बॉडी टैंकर में माय हेड अप इन द टैंकर 12 PM इन द सॉरी एंड माय डीओपी एवरीबॉडी वाज बर्नड. सो वी वर यूजिंग ड्रोन एज द फैन एट दैट टाइम बिकॉज़ वी वर ऑल बर्निंग. And कैसे pull off किया हमको भी. Sorry. God bless. You need some. No, it's okay. I have this problem. उस moment में I'm sure आपको तंदूर की बहुत याद. अरे यार seriously यार. But she was inhaling all those fumes. Thankfully you are not right. Yeah. Absolutely. Yeah, seriously. In one piece. इस type का एक incident मेरे friend के साथ. हाँ. इस इतना भी खतरनाक नहीं होगा. और मैंने बोला क्या लगा था उसने बोला सबसे पहली चीज क्या है दिमाग. तो बोलता है यार मेरे को खाली ये लगा था मुझे कुछ हो गया और मेरी मॉम ने वॉच हिस्ट्री देख ली. ओह माय गॉड. आई
तो या एक्चुअली चिक्की की एक लाइन भी थी सीजन 4 के अंदर कि इंसान लोगों को मरने से डरने लगता है, मरने के बाद उनका फोन किसके हाथ में जाएगा, वो किसके हाथ में जाएगा उससे डर लगता है. True that, and that's practically it's true. You know, yeah. दोनों की bonding, yeah. On screen और off screen, हम देखते हैं, हम enjoy करते हैं. Correct. और हम लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि ये वाकई में best buddies है या best buddies से आगे कुछ है.